नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फाइनली एसएससी एमटीएस 2020 डीवी का टोटल अटेंडेंस हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि टोटल अटेंडेंस कितना रहा और जितने भी रीजन में आपका डीवी हुआ है उन सभी रीजन में सेपरेटली आपका अटेंडेंस कितना रहा, कितने बच्चों ने ओवरऑल एग्ज़ाम को स्किप किया, अटेंडेंस कितना रहा और इसका इम्पैक्ट फाइनल कट ऑफ पे क्या पड़ेगा आपका, मतलब फाइनल कट ऑफ अभी आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक दो मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी रीज़न है उन सबका डाटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने CR तक आपको बता दिया था, SR और NER रीज़न का भी हमारे पास डाटा आ चुका है। तो MPR रीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 379 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई थे, इसमें से 289 कैंडिडेट DB में अपीयर हुए, यानी कि 90 जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने DB को स्किप किया। NR रीज़न की अगर बात करें तो 2767 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई थे, जिसमें से 2099 बच्चे सिर्फ अपीयर हुए, यानी कि 668 बच्चों ने DB को स्किप कर दिया। WR रीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पे 198 बच्चे थे और 75 बच्चे जो DB में अपीयर हुए आपके, और 123 जो बच्चे उन्होंने DB को स्किप कर दिया। NWR रीजन की बात करें तो 94 बच्चे क्वालिफाई थे और सिर्फ 69 अपीयर हुए, यानी कि 25 ने DB को स्किप किया। ER रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 1543 बच्चे क्वालिफाई थे, जिसमें से सिर्फ 1223 बच्चे अपीयर हुए, यानी कि 320 जो बच्चे उन्होंने DB को स्किप कर दिया। CR रीजन की अगर बात करें तो 3837 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई थे और 2918 बच्चे अपीयर हुए, यानी कि 919 बच्चों ने DB को स्किप कर दिया, ठीक है। SR रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 472 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, 333 बच्चे अपीयर हुए, यानी कि जो बच्चे स्किप किए DB को वो कितने हैं आप यहाँ से निकाल लो, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। 139 बच्चों ने DB को स्किप किया और यहाँ पे अगर अटेंडेंस की परसेंट में बात की जाए तो 70.55% आपका अटेंडेंस रहा। NER रीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पे 34 बच्चे क्वालिफाई थे, 25 बच्चों ने DB को मतलब DB में प्रेजेंट हुए, बाकी कितने बच्चों ने स्किप किया, 9 बच्चों ने स्किप किया, और यहाँ पे टोटल जो अटेंडेंस रहा वो 73.52 रहा, ठीक है। अब सिर्फ KKR रीज़न ही बचा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करे क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे यहाँ पर। तो फाइनली ये जो अटेंडेंस आपको दिख रही है यही आपकी ओवरऑल अटेंडेंस है, आप मान सकते हो कि 75% आपका अटेंडेंस रहा, 25% जो बच्चे हैं उन्होंने DB को स्किप किया। अगर हम टोटल बात करें कि हमारे पास कितना डाटा आ चुका है, सिर्फ KKR रीज़न बचा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो फाइनली यही डाटा आपके सामने आने वाला है। तो टोटल 9324 बच्चों का हमारे पास डाटा है, जिसमें से 7031 बच्चे जो थे वो DB में अपीयर हुए, बाकी 2293 बच्चों ने DB को स्किप किया। तो ओवरऑल अगर अटेंडेंस यहाँ से निकाला जाए तो कितना रहा, 75.40%। तो 75.40% अटेंडेंस आपका रहा, KKR रीज़न बचा है जो कि बहुत ही माइन्यूट है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल ये मान सकते हो आप कि 75% आपके आसपास आपका अटेंडेंस यहाँ पे रहा। तो ये तो हो गया अटेंडेंस की बात, आपको ये पता चल गया कि टोटल अटेंडेंस कितना रहा, और इतना ही है अटेंडेंस, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ है उस पर कितने नंबर की आपके पास लीड होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी जो कट ऑफ आपकी है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट आपका होगा, तो अगर फाइनल आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 2 से 3 नंबर का मार्जिन होना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 7 से 10 नंबर का मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका कि आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है या पर्टिकुलर किसी स्टेट को प्रेफरेंस दिया है। तो जैसे मान लेते हैं अगर ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो सबसे जहाँ पे कम कट ऑफ जाएगी, अगर आपके पास उतने मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो भाई मैंने बताया कि 2 से 3 नंबर मिनिमम की ज़रूरत पड़ेगी और 7 से 8 मैक्सिमम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास मोटा मोटी अगर बात करें तो 4 से 5 नंबर का अगर वेटेज है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ पर, अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।